Let's have dinner iske baad, okay? Okay, Bharti, let's go. I want to have sushi. Achha, let's sushi. और तीनों साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कैसे हैं सब जी? ओके पाजी। खातीनों हजरत, क्रिकेट पूरी दुनिया के लिए एक गेम है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये जुनून है। यहां एक हमारी टीम मैच जीतती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। यही भूल जाते कि डॉलर उतर चला गया, बत्ती नहीं आती पई, गैस नहीं आती पई, ओ हो टमाटर महंगे हो गए, टिंडे महंगे हो गए, ते करेले वाले भी सस्ते, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इतना प्यार है हमें क्रिकेट से। Yes, Bharti, I love cricket. और जब से लीग्स बनी है तो क्रिकेट तो एक फेस्टिवल बन गया है, जस्ट लाइक फैशन वीक। केड़ा फैशन वीक? ले, हमारी तरीन ख्वाहिश है कि टीम मुश्किल में हो और हम विकेट पर खड़े हों। हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड की तमाम हसीनाएं पंजों के बल खड़ी हों और हमें बैटिंग करते देखती हों, और जब हम छक्का लगाएं तो सब हसीनाएं एक आवाज में होकर कहें, आलमपना, यू ब्यूटी। आलमपना, आप क्रिकेट के नहीं बांदर किला के ख्वाब देख रहे हैं। बच्ची, बांदर किला वाला ख्वाब तो कब का शर्मिंदा ताबीर हो गया। मैंने बांदर किला तो नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर हमारे आलम पनाव को बहुत सूट करता होगा। हमारा चेहरा मत किया जाए और आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। खातीन हजरात, आज हमारे पहले मेहमान एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो हर बॉल पे छक्का मारने की सलाहियत रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंग्री यंग मैन, द सुपरस्टार, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली उमर अकमल। हाय हाय हाय, निकाला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, निकाला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, ए रंग किसे नहीं पाया ए उम्र दे सजाया, निकाला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, निकाला जोड़ा। आइए आइए आइए, मैं क्या एडा ते बंदा है सर। उमर अकमल बाखुला, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से यही कहना चाहते हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उमर भाई, कैसी चल रही है क्रिकेट? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है, अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आपका जो एक इमेज बना हुआ है कि जी वाह 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 एंग्री यंग मैन, ए एंग्री यंग मैन कितना आया? जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक जज्बा होता है, जुनून होता है कि यार खोल रहा होता है, खून हमारा खोल रहा होता है, चाहे वो इंडिया के साथ मैच हो या छोटी टीम के साथ मैच हो, इंग्लैंड के साथ मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें अगर कोई मेरी एक बहुत कह लें कि अच्छी आदत है या बुरी आदत है, वो ये है कि ना मैं गलत बात करता हूँ और ना मेरे से गलत बात बर्दाश्त होती है। और अगर कोई मुझे अब्यूजिंग करे, चाहे वो गोरा है चाहे जो उनसा मर्जी है, तो फिर उसको मैं नहीं छोड़ता, फिर उसको मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार इसने मुझे अब्यूजिंग क्यों की है। और जाहिर सी बात है, जब मैच रेफरी बुलाता है तो रिकॉर्डिंग जब देखता है मैच रेफरी, वो यही फिर डिसाइड करता है कि इसमें गलती उमर की नहीं है, पहले अब्यूजिंग इन्होंने की थी। उमर साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी माना जाता है, उसके बाद पॉलिटिशियंस आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टूर पे कोई इंडियन फिल्म ऑफर हुई, और अगर ऑफर हुई तो किसके साथ काम करना चाहेंगे? ऑन टूर तो अभी तक नहीं हुई, ऑफ टूर हुई है। ऑफ टूर हुई है और मैंने उसको ये कहने के मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अगर पाकिस्तान से एक फिल्म ऑफर हो जाए, जवानी फिरनी यानी पार्ट 3, तो क्या इरादे हैं? नहीं, जब क्रिकेट छोड़ूंगा उसके बाद सोचूंगा, वाइफ से, वाले साहब से, फैमिली से पूछूंगा, अगर उन्होंने परमिशन दे दी
तो फिर जरूर करूंगा। देख लो रात 9 बजे के बाद भी बाहर रहना पैंदा, इजाजत मिल जाएगी? इसलिए कहना कि मैं पहले उनसे पूछ लूं। अच्छा, क्रिकेट और आर्ट्स का, स्पेशली फिल्म और क्रिकेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आप देखे जाए तो बहुत से हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो क्रिकेटर्स के बहुत बड़े फैन हैं। राहत फतेह अली साहब, उसके बाद हुमायूं सईद साहब, वो भी क्रिकेटर। उसके बाद फहद मुस्तफा साहब, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। ताहूब रद, सारे क्रिकेटर्स के फैन है। ये जो क्रिकेटर आर्ट की जफ्फी पड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जैसे वो हमारे फैन हैं, टू बी ऑनेस्टली मैं खुद पर्सनली जिनके आपने नाम लिए हैं और इनके अलावा जो भी है उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और ये कहने के मज़ा आता है हमें उनको सुनने का, उन्हें हमें देखने का। तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक ही ट्रैक पे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके करियर में कौन सा ऐसा मैच था जहां आपने भी कहा यार ऐ तो गया मगर आप जीत गए? 2014 का वर्ल्ड कप था जिसमें हफीज़ भाई कप्तान थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा मैच था, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। हाँ, उसमें मेरी और गुली भाई, उमर गुल भाई की पार्टनरशिप लगी थी। और उस वक्त हमारे ड्रेसिंग रूम का ये हाल था कि बिल्कुल ऐसे जैसे ड्रेसिंग रूम में कोई है ही नहीं। अरे, तो उसमें वहाँ किसी ने कोई मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं देती? हाँ, मैं अंदर क्रीज पे ही था और मेरे साथ जो भी आ रहा था वो आउट हो रहा था। और मैं बस यही कह रहा था कि यार अगर कोई मेरे साथ खड़ा रहे तो ये मैं मैच निकाल सकता हूँ। अच्छा, वो जैसे ही उमर गुल भाई आए हैं, उन्होंने आगे हिट्टे मारी हैं और एक होप सी आई मेरे अंदर कि नहीं यार ये मैच कहीं पे भी नहीं जाता। तो उन्होंने आगे जब हिट्टे मारी हैं और उसके बाद जब मैंने फिनिश किया वो मैच, तो वो ये समझ लेंगे हमारी टीम का मोराल बहुत ऊपर हो गया था। वो अगर हमारे पाकिस्तान अवाम ने देखा है तो हम एक किस्म का 95% हम लोग हार गए हुए थे मैच, 5% हमारे पास चांस था। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, हम प्लेयरों को इज्जत दी है। और यही 5% था जी, क्या बात। पर जी, क्या उमर अकमल के हाथों में ग्लैमर और हुस्न की लकीर नहीं? अरे ये कैसे हो सकता है बादशाह सलामत, अगर उमर साहब यहां मौजूद हैं तो हम खूबसूरती को भी लेके आएंगे। खातिनों हजरात, हमारी अगली मेहमान के बारे में मैं बस यही कहूंगा, जैसे उमर साहब ने वनडे T20 टेस्ट के अंदर छक्के चौके मारे हैं, इन्होंने सिल्वर स्क्रीन के अंदर 4 चांद लगाए हैं, जब ये आती हैं तो इनका मजनू इधर ही कहीं होता है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली लैला। लैला कैसी हैं आप? I'm good, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं अहमद? I'm good, welcome to Super Over. कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले आपको देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। I am feel good. आपको देख के तो मैं सरप्राइज हो गई हूँ। आप ये बताएं कि कैसे कम किया आपने? क्या? वेट। ओह वेट, नहीं सही बताएं, आप तो लाहौरी हैं, मैं खुद लाहौरी हूँ, ये पाए बोंगे और खदे कुलचे ये कहाँ गए? कैसे रोका आपको? ऐसा निकल के ओ थे चले गए भाई। डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, अभी बल्कि उमर भाई भी यही मुझसे डिस्कस करते कि यार कैसे किया। तो मैंने उनको बताया कि और मेरी दादो अल्लाह जन्नत नसीब करे कहंदी सी कम खा गम खा, तो मैं आए हाय। आपकी दादी तो कहती थी, आपकी नानी भी जो जो कहती थी क्या कहती थी, कमाल है दुनिया। दुनिया अभी तक उनके गीत गाती है, बेशक सानू नहर वाले पुल ते बुला के तेहरे माही। और गुलबर्ग चला गया ना तो नहर वाले पुल ते बुला के। वैसे नो डाउट अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा टैलेंट ऐसा नाम सदियों बाद भी नहीं आएगा। बेशक बेशक, क्या क्या उन्होंने गाया है, और मैं कहती हूँ एवरग्रीन एवरग्रीन, क्या गजल है वो। रात फैली है तेरे सुर में, आंचल में इतनी बेसुरी हूँ, लेकिन ये गजल जब भी मैं सुनती हूँ ना माशाल्लाह, मैं क्या सारे। तो उन्होंने क्या क्या गाया अपने म्यूजिक लवर्स के लिए। 2001 में परफॉर्म भी किया था, हम लोग इंडिया गए थे, ट्रिब्यूट दिया था मैडम नूरजहान को। जी, मैं उस वक्त 10 साल का था। एक्सक्यूज मी, ये इतनी पुरानी बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू शो सुपर ओवर। थैंक यू। और आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, आई एम वेरी हैप्पी, मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ। और सुपर ओवर शो का नाम हो और हमारे साथ इंटरनेशनल हीरो, सुपर ओवर के हीरो। अरे उमर साहब बैठे हुए हैं,
इतनी खामोशी से कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहली दफा जिंदा देखा है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं जिंदा देखा। पहली दफा जिंदा देखा है मतलब कि आपको टीवी पे देखते हैं, टिकटॉक्स पे, तो आपको फर्स्ट टाइम जिंदा देखा है, तो मैं एकदम यूं, मैंने कहा अच्छा बाद में समझ में आती है, तो आज मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने आपको आज जिंदा देखा है। अरे लाइव का मतलब है अमानुल्लाह साहब ने जैसे मोहम्मद अली साहब को जब पहली दफा देखा था उन्होंने कहा था भाई पहली दफा जिंदा देखा है, और फिर उमर शरीफ साहब ने जब अमिताभ बच्चन साहब के सामने परफॉर्म किया था उन्होंने कहा था बच्चन साहब को भी पहली दफा जिंदा देख रहे हैं, तो लाइव का मतलब वो होता है, वो होता है। और मैं भी टोटली बड़ा सरप्राइज हूँ माशाल्लाह जितनी ये सीनियर एक्टर्स हैं, और मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ, मैंने इनको सीनियर देखा, इनकी मूवीज देखी, और आज मुझे खुद बड़ी मैं खुद बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैंने इनको जिंदा देखा है और इस तरह माशाल्लाह यंग देखा है। शो तो बना दिया। वो वो वो। मेरा ख्याल है कि समझने वाले समझ जाएंगे। लैला जी हमारे जज्बात आपके बेपनाह हुस्न के नाम है। लैला ओ लैला कैसी तू लैला सस्ता दिला दो मुझको आटे का थैला ओ लैला लैला बादशाह सलामत आपने मेरी तारीफ में मेरे लिए जो गाना गाया उसके लिए बहुत थैंक्स, लेकिन ये मुझे पता चल गया आप कहीं के बादशाह नहीं है, आप तो मरासी निकले हैं पूरे के पूरे। वही लैला वाले गाने में आटे का थैला, पेट्रोल की कीमत, वाह 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 वाह। बाय द वे आई अप्रिशिएट यू। डाइट जुगतां ते ध्यान नहीं देना छोड़ो। के हाल ने केबी? आई एम गुड माशाल्लाह। केबी भी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, ग्रो। आहो, आहो। क्या बात है, इंज जिवें संगे मरमर दी पिंडी हुंदी है। बट जी असल च लगता तुसी समझ नहीं कि मैं क्यों आया। मुझे लगता है कि आपके हाथ कोई गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आई है, कोई नया आइडिया है, इसलिए आप यहाँ आ गए। ओ हो हो हो, अल्लाह मैनू माफ करे पापा, अल्लाह मैनू माफ करे। यार एडी गलतियां कर दे क्यों जड़ी एडी माफिया मांगदे हो। पापा जी मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह वापडा के दफ्तर बिल और पुराने डॉक्यूमेंट सन के ढेर लगे होने ना जी, इं माड़े कार स्क्रिप्टां दे ढेर लगे न, माड़े इत्थे लग गए एक इन्वेस्टर थोड़ा नाल होवो दो वाली सीट असल च एक इन्वेस्टर लग गया माड़े इत्थे। अच्छा मिकी पक्की इन्फॉर्मेशन आसी कि इत्थे पापा उमर भी आए दा ते नाल लैला जी भी आए दन। अच्छा मैं बंदे की कहन के नाल ही आ गया ताकि इत्थे पैसिआं ने ढेर लाई छोड़ा। ओए 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 असल च बट जी फिल्मी दुनिया ते क्रिकेट नी दुनिया की मैकोस करके मैं एक नवा शाहकार पे बनाना जिस च फिल्मां होसन, लीगां होसन, लेकिन पैसे नी फिक्र नी करनी। अच्छा क्यों? पैसे वाला बंदा माड़े कोल है, इतने वड्डे बंदे, इतने वड्डे डॉलर ने, तुसा घबरा जुलसो। अरे उमर पापे जितने पैसे तुसा की चाहिए ना पहले ज़ेन बना लो। मैं आग छोड़ना एफबीआर आ लेनु ताड़ा इन्वेस्टर पर छोड़ना। आए, 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 आए। माड़ी जुबान ची बंदा मिकी पई गया बारा गल पता क्या है। असल च चको रहे कि मैं चाहना कि मैं पैसे आंदे इत्थे अंबार लाई छोड़ा, जे तुसा नी इजाजत होए ते इन्वेस्टर की बुलावा। नहीं अच्छा अच्छा चल बुला लो बुला लो जी फिर व्हाट्सएप तैयार होई जुलो भरपूर तालियां तशरीफ ले आ रहे शेख हनान बिन सुल्तान बिन नुमान बिन जबरान बिन कप्तान बिन बनियान।
हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? मुंह से बोल रहा हूँ, वही पुराना फैशन। अरे साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कहीं और से बोलूँ। अंदर फोन करना, ठुकूंगा। चल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम हन्नान बिन फन्नान वल अहमद वल पाकिस्तान वल तरगार वल बिजनेस वल फिल्म वल क्रिकेटर लीग वल तैयारा वल मुनफरद चीज है। लैला या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल उमर अस्सलाम वालेकुम। كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वला खूबसूरत वाला आदमी है वाला सही वाला हिटर है वाला पाकिस्तानी वाला हीरो है क्या बात। नाम वाला ममूली वाला क्रिकेटर है क्रिकेटर वाला बाल दुनिया वाला मशहूर है वाला हिट है वाला नाम वाला सही वाला हिट है हिट वाला ग्राउंड वाला बार है वाला विकेट वाला कीपर है वाला विकेट वाला कीपर है वाला फुल वाला शरारती वाला इंसान वाला तारफ वाला इंसान है वाला पाकिस्तानी वाला मामा। एक मिनट यार, चाचा क्रिकेट का तो सबको पता है, ये मामा कहाँ से आ गया? चाचा क्रिकेट ग्राउंड में होता था। हाँ। और सबको झंडा लहरा के बताता था कि पाकिस्तान खेल रहा है। ये भी ग्राउंड में आता है, उमर अकमल छक्का मारता है, इसको लगता है ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। एक मिनट, आप तो उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। वाला सही है पाकिस्तान वाला उर्दू वाला पंजाबी वाला अंग्रेजी वाला अरबी वाला कुल वाला जुबान है वाला आई कैन रीड इंग्लिश आई कैन स्पीक इंग्लिश आई कैन स्पीक मेनी अदर लैंग्वेज। लो जी, तुसा की समझ ते लागी गई होसी, जिस बंदे को जुबान इतनी ने डॉलर कितने होसन, पैसे ने टैग ला देसा सा अंबार ला देसा वाला वाफरल मकदार वाला पैसा पैसा ना वाला ममूली वाला कुल वाला बैंक वाला पाकिस्तानी वाला रकूमा वाला कुल वाला फकीर वाला पाकिस्तानी वाला सिग्नल वाला स्टैंड अल्लाह ना दे बाबा वाला कुल वाला सुनता कारोबार अल दरकार है वाला क्रिकेट है वाला फिल्मी वाला दुनिया वाला मर्ज है वाला कुल वाला सही वाला कर वाला क्रिकेटर वाला हीरो है वाला हीरो ने वाला पाकिस्तानी वाला फिल्म है वाला दरकार अल लीग है वाला औरत अल प्लेयर वाला क्रिकेट है वाला क्रिकेटर अल प्लेयर वाला सिंगिंग है वाला एक्टिंग है वाला हीरो वाला पाकिस्तानी है। मैं ना की समझाना बट साहब, असल में हमारे इन्वेस्टर ने कहने मतलब है वे लुबे लुबाब वो आखने ने कि असी ऐसी नवी चीज ले आ रहे हैं कि लैला जी क्रिकेट खेल सन ते उमर भाई जड़े ने गाना गा सन। वाह, लड़कियां क्रिकेट खेले मजा आ जाए। वाला 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 कमेंट्री कैसे होगी? वाला ला कमेंट्री है वाला ला बाद वाला औरत वाला प्लेयर वाला क्रिकेट है वाला ला कुल वाला कमेंट्री वाला तब्दील है। हाय हाय हाय, कमेंटेटर कह रही होगी रजिया गेंद के पीछे भाग रही है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और रजिया का बॉयफ्रेंड वहां खड़ा है, बॉयफ्रेंड के साथ रिक्शा में बैठ के निकल गई, क्रिकेट खत्म। आज सुल्ताना स्कोर कोई नहीं करेगी क्योंकि डॉक्टर ने उसको भागने से मना किया है। रजिया आई और उसने अपना बच्चा अंपायर को पकड़ा और गेंद करने निकल गई और गेंद जब किया तो उनकी लड़ाई हो गई आपस में। आपस में जब लड़ाई हुई तो वो दोनों पे उतर आई दोनों क्रिकेटर्स, कह रहे लग रहे तेरी शादी अंपायर से हो, कह तेरी शादी लेग अंपायर से हो, तेरी शादी थर्ड अंपायर से हो, तीनों अंपायर करके ग्राउंड में आ गए। उन्होंने कहा भाई आपका झगड़ा तो खत्म हो गया, हम जाएं या रुकें? जी मैं मामा क्रिकेट की बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। आई थिंक लड़कियाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं। बिल्कुल केबी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लड़कियाँ औरतें किसी फील्ड में बिल्कुल पीछे नहीं है, वो क्रिकेट हो वो हॉकी हो वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो क्रिकेट तुझे खेडोगी ना, वनडे 4 दिन च होएगा ते टेस्ट 10 दिन च होएगा, अंतर मस्कारा लाने 3 दिन लग जाने। उधर बैट्समैन आउट हो जाने, तेरे कहना मेरी तरह लिपस्टिक पदवाना देंगे अल्लाह पूछेगा तेरे को, मेरे शोहर ने ब्याह किया सारा पता मैं तेरा। लेकिन या शेख तू है भी तो सोचना, लैला जी अगर क्रिकेट खेल सन तो कितना हिट हो सी मैच, बार लिखिया हो सी 6 ओवर 1 आइटम सॉन्ग, हर चौके के बाद हल्का हल्का डांस हो रहा है। दिल करे लैला को मैच छाड़ ही देंदी, क्यों जी? के देखो जी मैंने सिंगला मारा ही नहीं खादी। अगर लैला चौका मार दी इदियां सारियां सहेलियां ने कोरस ता के पिच दे उत्ते डांस करके इन्होंने कहना सी असी कुड़ियां शहर दियां दुबई आईयां पैरां विच पाके लसियां। ओहो और उमर अकमल इंज करके जो तो हेलमेट ला के इंज करता ना तो वाला जो पसीना निकलता, लोग कहते हैं उमर अकमल जो लाइव देख लिया इन्होंने जो तो हेलमेट लाना ना तो पसीने ना बेड़े घर को ये कौन खेड लिया। मैं आज एक बात बताऊं, मैं मेकअप ऑफ कर दूं ना, आई लाइक माय पर्सनालिटी, आई लाइक माय सेल्फ विदाउट मेकअप। मैं कभी किसी दिन किसी शो में विदाउट मेकअप आऊंगी, आप लोग खुद ही बोलोगे कि विदाउट मेकअप ज्यादा वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, नहीं 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 वो जा रहा है, नहीं 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 वो जा रहा है। मामा क्रिकेट, आपका क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन क्या है?
खून दिया है मैंने क्रिकेट को। कैसे? जब शारजा में जावेद मियां ने चेतन शर्मा को छक्का मारा था, वो गेंद मुझे डायरेक्ट लाके मेरे सर पे लगी था और मैं लहू लहान हो गया। उस वक्त से मामा एक क्रिकेट इनका नाम पड़ गया। अरे ये तो एडा पैड़ा गेंद वजह लोग ये नू छक्का छक्का कहने लग पे सर। मैं तेरे घर से बधाई मांग के आ गया मनु। मुझे इस तरह भी नहीं होया, ये जो तो खेडन जाने हर बंदा का चालो मामा। नहीं नहीं यार वो मामा नहीं हूं मैं। आप उमर साहब के कितने बड़े फैन हैं? सानू अकमल चैन ना आवे, सानू अकमल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हर बाल ते छक्का मारे, हर बाल ते छक्का मारे, बॉलर वेखे बिना। फिल्म दरकार है, फिल्म बनाते हैं जी उमर अकमल को लेकर और साथ लैला को लेकर। अच्छा। दोनों की फिल्म होगी, कितना मजा आएगा। डायलॉग चेंज हो जाएंगे, वो अपनी फील्ड के हिसाब से डायलॉग बोलेंगे या अपनी फील्ड के हिसाब से डायलॉग बोलेंगे। वो पिच पे खड़े हो कहेंगे हम प्यार की पिच पे बहुत ज्यादा रन बनाएंगे, वो कहेंगे हम कट करके आएंगे और कैमरा क्लोज करके तुम्हारे मुंह पे जाएगा, और जब हम दोनों का क्लोज बनेगा पूरी दुनिया देखेगी कि तुमने कितना बड़ा छक्का मारा है। बाउंड्री के बाहर हमारे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं और वो क्लैप कर रहे होंगे कि देखो हमारे मामा पापा कितना अच्छा खेल रहे हैं। मुझे ये फिल्म करनी नहीं है। बाउंड्री से जरा कैच होता अजकल एक रवाज चले कि बैच करके दौड़ा जाता है, करके बंदा हाथ मार के मुड़के फिर अंदर आके कैच फाड़ लेता है। लैला कैच फड़ेगी कितना मजा आएगा, ऐसे करके हाथ मार के मुड़के अंदर आके हेलो डी एज मल्ला। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एज अ वॉचिंग अ सुपर ओपरा, विल बी बैक विद द ब्रेक। हाँ साहब, जब आप अलाप लगा रहे थे तो आपकी दाढ़ जमीन पे गिर गई। जैसे अलाप लगा रहे थे ऐसे लग रहे थे जैसे मोटरसाइकिल खराब हो गई है। الحاج شیخ آپ تیلی نہیں لائے۔ اوئے ویلکم بیک فرام دی بریک۔ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سپر اوور جی کے بی۔ عمر جی، ہو ڈیڈ یو آئیڈلائز وین یو ور گروئنگ اپ؟ ایکچولی مائی اولڈ برادر کامران اکمل۔ نائس، ویل سیڈ۔ اچھا عمر، مجھے بتائیں یہ کرکٹ میں کیسے آنا ہوا اور سٹرگل کیسی تھی؟ اس میں میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جب میں پاکستان انڈر 19 بھی نہیں کھیلا تھا تو اس میں میں ये समझ لیں تین نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میری فیملی کے بعد میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب انڈر 19 نہیں کھیلا تھا، محمد حفیظ، مصباح الحق، اور اس کے بعد جو ہمارے کلب کے کپتان ہیں سردار نوشاد، کہ انہوں نے مجھے کلب کرکٹ سے اٹھا کے مجھے فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائی اور پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا، پوری دنیا میں ویب سائٹ پہ میرا نام آیا، اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جب میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تو اس وقت یونس بھائی کپتان تھے، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور جتنے بھی سینئر پلیئر تھے انہوں نے مجھے یہ فیل نہیں کروایا کہ میں کامران اکمل کا چھوٹا بھائی ہوں، سب نے یہ فیل کروایا تھا کہ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو اور دل کھول کے پرفارم کرنا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سپر اوور کا جب سے آغاز ہوا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر اور آج آپ سپر اوور کے اندر موجود ہیں، تو یہ بتائیں ہمیشہ آپ پاکستان ٹیم کی طرف سے بیٹنگ کے لیے کیوں منتخب ہوتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ کے سپر اوور کے شو کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنی بھی یہاں پہ ٹیم ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس شو میں میں بہت خوشی سے آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی سپر اوور میں مجھے پاکستان ٹیم کی طرف سے بھیجا گیا اندر، جو بھی کپتان ہوتا تھا وہ میرے پہ کانفیڈنس رکھتے تھے کہ عمر جائے گا، عمر میچ ون کروا کے آئے گا۔ الحمدللہ جتنے بھی سپر اوور کھیلا ہوں، آئی گیس ایک میچ ہم نے ون نہیں کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی سپر اوور میں الحمدللہ پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے اور اس میں ایک اہم رول پلے کیا میں نے۔ تو بن میری لیلا ناچے رے، مد بن میری لیلا، تو بن میرا لیلا ناچے رے، نردھن کی لیلا باجے رے، مدھوبن میرا ناچے رے۔
मेरे लोग हाँ सर, जब आप अलाप लगा रहे थे तो आपकी दाढ़ जमीन पे गिर गई। जैसे अलाप लगा रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे मोटरसाइकिल खराब हो गई है। ओए मैं दाढ़ नहीं हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं मजनू हूँ। मैं अपने प्यार अपनी मोहब्बत लैला के पीछे आया हूँ। तो मजनू होर सी मरे जिन्हों लोगों ने वटे पत्थर मारे सी, तेनू इत्थे रख के मार देने। यार माड़ी फिल्म ना मरकजी किरदार है मजनू, इधर आ माड़े कोल चल के डन डन डड़ डम चक चक डन डन तिलक डम चक चक डंग डंग डड़ डंग इधर रण इधर रण। मैं बुलाया एकदम तेनू ममता याद आ जानी मेरे वाले। लो जी बट जी ओ फिर गया जी। ओ तो चे कबाबा वाला पक्खा ते कदी घूमदा ही नहीं। इधर मुंह रखना मेरे वाले। गरम जौहर मुझे चाहे अपनी फिल्म से निकाल देना पर लैला के प्यार से ना निकालना। बहुत अच्छे हो ना वे बोर्ड के तू कवे लैला दे पर्स चो ना मेनू कढ़ना। मैं वो आशिक हूँ जो पर्स से दिल में उतर जाऊं। मजनू माना के छोटा है हाइट में लेकिन उसका दिल है, वो भी प्यार कर सकता है। शेर नहीं लगी है। हम लोग आपके जज्बात की कदर करते हैं लेकिन आराम से तो बहुत जज्बाती है। लैला जी वो मजनू तो पत्थर खाता था ना, ये तेरी जायदाद खा जाएगा। इतना सा तो है बेचारा, इनकी मिट्टी खा के कहेगा मैं तो सारा घर खा ले। मामा मामा एक क्रिकेट बनो, मामा हीट दाना बन। मजनू ऐसा लगता है मलंगा का छोटा बेटा है। बहुत अच्छा है ये, मलंगा का छोटा बेटा है तुख मलंगा। चेसनल शादी कर लो डबल फायदा। क्या खामन दा खामन ते गड्डी दा जैक दा जैक। ओ गरम जौहर मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर, मैंने लैला से शादी करने के बाद उसके सारे काम करने हैं। यदि माँ कभी पानी पिया तो कहना आप पीला तेरी लत छोटी है। नहीं ये 100 काम करेगा, फ्रिज थलियों जाले भी कटेगा। कोई काम भी नहीं कर सकता। इन्हें कहना दो ही लैके इन्हें कढ़ाइया थलो फिर गया, कहना दुकान बंद। ओ शेख क्या बोर कर दिया तुमने, लैला कहे तो मैं दूध की नदियां बहा दूं। एक फीडर फट के देवदास बन के फिर। फीडर में दूध तो होगा पहले तोड़ का। हाँ तेरे टोन होएगा तो कीड़ियां कहेंगे इतने चलो घर चलिए आज टोन होएगा। और वाकई जदों भी यह टोन होता मल्ले दी कुकड़ियां दौड़ दी है देखो कहते साड़ियां पूछ ना खिंचता। उस पर नशा कहाँ से चढ़ेगा, जहां से नशा शुरू होता वहां तो ये खत्म हो जाता है। कल मुर्गे ने आके ठूंगे मारे ने कहता को भरजाई नहीं छोड़ते रहे। हाइट ना देख कॉन्फिडेंस देख। लैला जी पहले तो मजनू को लैला नहीं मिली थी, इस दफा कोई मजनू का चांस लग रहा है? मजनू का चांस देखो एक तो ये पास खड़ा है। हाँ जी देखो ना इसकी हाइट पे नहीं आप लोग जाओ प्लीज। हाँ। नहीं जा रहे हम भाई, इसके जज्बात पे जाएं। और वैसे भी इनके अलावा जितने लोग मुझे देख रहे हैं जितने मेरे फैंस हैं सब मेरे मजनू हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं सबकी लैला हूँ। और एक मजनू चाहिए जिसे शादी करनी है, प्लीज आप लोग दुआ कीजिए वो जल्दी से मिल जाए। नशे दे विच तोते नशे ही नैना वाले लगी ये नु भुख नेरे आ प्यार प्यार एनु कर ले वा। नशे दे विच तोते नशे ही नैना वाले। अच्छा इस बंदे दे मेदे च जख्म ने। अच्छी बट जी मैं तुसा की दसा असल च ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਮੌਸੀਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਪਸੜੀ ਖਜਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਮੌਸੀਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗੇਂਦ ਸੇ 20 ਓਵਰ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੋ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਤਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ। 50 ਓਵਰ ਕੇ ਬਾਅਦ 25 ਓਵਰਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਨਿਕਲਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਸੀਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। देखो लैला जी वास्ते मैं गाना की बनाया,
एक चतर नार लला होशियार, एक चतर नार लला होशियार। एदी फिल्मा हजार मैं ते होया बीमार, इना फिल्मा हजार होया मैं बीमार। देखो आ आ आ एक चतर नार लला होशियार। सारी गप मावा का पानी जरे थे कम सनीदा 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 सनीदा। ए मौसीकार काट स्यापा करने वाली माई बहुत ही। ओ मौसीकार मेरे और लैला के प्यार को उजागर करो। वापस वापस क्या सारी जिंदगी डायलॉग यही बोलेगी, मैं नीवी थान ला बैठी। बाकी ये शेर भी कहेगी मैं उच्ची मेरा आशक नीवा। देखो लैला जी ये कुछ तंदूर ते काम नहीं करता। अच्छा तुम्हारी मोहब्बत च कपड़े पाड़ के पे फिरना है, इश्क च पागल है। मैं कहना कोई इतने सिचुएशन बनाई है तुसा ने प्यार नहीं। क्या सिचुएशन बनाए, मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ उसके प्यार को, उसकी फीलिंग्स को, उसके दिल को। मैं उसके कद पे नहीं जा रही। कोई इन्वेस्टमेंट ही कर दे। मैं तेनु किलो वाले छापर च पा गया, उथे टांग देना। लैला जी ये कोई नौसरबाज मजनू है, असल मजनू तो हम हैं। हमारे लिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने फरमाया है, कैसा फिर कोई उठा ना बनी आमर में, फख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। बट जी ये बेचारा मजनू देखे ना, पत्थर खा खा के कितना चाइनी सा हो गया है। इसको पत्थर नहीं मारे, इसको पत्थर तोड़ने वाली थोड़ी मारी है। ला, तुम्हें पता है जब लोग मुझे पत्थर मार रहे थे तो मैं दिल में ये सोच रहा था कि तुम मेरे आगे आके दीवार बन जाओगी और एक गाना गाओगी। कोई पत्थर से इसे मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से इसे मारो मेरे दीवाने को, बख्शना ना इसको, हाय बख्शना ना इसको, ये तैयार है मिट जाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से, पत्थर क्यों नहीं फाड़ दे, पत्थर से इसे मारो मेरे दीवाने को। जा 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 वफा ईट बना सकती है, ये तमाशा तो सरेआम दिखा सकती है। लो आ पत्थर उठाओ एदी बखी च मारो, लो आ पत्थर उठाओ ओ एदी पुरपड़ी च मारो, बख्शना ना इसको, बख्शना ना इसको, ये तैयार है मिट जा। ये हमेशा से खतरनाक शौक है, बस ऐसे हल्के फुल्के शौक कर लेते हैं। हल्के फुल्के है बेटो। स्वाधीन रोजगार हमारा अगला सेगमेंट है जिसमें हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कब कहां कैसे। आइए चल के देखते हैं पहली तस्वीर। सामने गुब्बारे लगे सर। नहीं नहीं यार शेख, सामने एक बंदा खड़ा होता है तो ठंडा पानी पा रहा है। सामने ना पसंदीदा कोच है। मगर ये हमेशा से खतरनाक शौक, बस ऐसे हल्के फुल्के शौक कर लेते हैं। हल्के फुल्के है बेटो। हल्के फुल्के नहीं, बहुत पुरानी पिक्चर है, उस वक्त नया नया शौक हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक होता है और जो वो शौक रखता है उसको पूरे करने चाहिए। सारी सी बात है, जब गवर्नमेंट ने इस पे बैन किया तो उसके बाद मैंने ये चीजें ही छोड़ दी। सिर्फ यही था या इसके अलावा भी और कोई डेंजरस शौक थे? नहीं बस ये लास्ट डेंजरस था, ये लास्ट डेंजरस। अच्छा जी जरा गौर से देखें, आंखें जलाई जब दुश्मन की वीडियो बना रहे। अच्छा यार शेख तेन लग रहा है जब दुश्मन की वीडियो है, मैंने लग रहा है उमर पापा कोई मच्छर स्प्रे करने लगा। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आय हाय हाय हाय, ए रूस चीन अमेरिका कदों इकट्ठे हुए, मतलब है कि मीरा रीमा और लैला एक ही तस्वीर में और वो भी हंसते हुए। ये सबसे कमाल की बात है ना। हाँ कराची में एक इवेंट था, वहां पे हम तीनों इकट्ठी थी, इनवाइटेड थी और फिर रीमा जी ने आप इकट्ठी थी, ये इकट्ठी सोफे पे बैठी थी। इकट्ठी सोफे पे बैठी थी, इकट्ठी हंसी थी, किसी ने बात नहीं की एक दूसरे से। तस्वीर से आइडिया कर ले आप। तस्वीर से तो आइडिया यही हो रहा है कि तीन औरतें 150 कहानी।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜ ਜੀ ਕੀ ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰੇ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਔਰ ਲੈਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰਾ ਔਰ ਰੀਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਸ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ 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 ਇਹਨੂੰ ਬੜ ਜੀ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤੜਫਦਾ आए जी आए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टेज की क्वीन नरगिस और दूसरी लॉलीवुड की क्वीन मगर केक खिलांदे एडी भूख लगी सी कि भूख नहीं लगी थी नरगिस जी की सालगिरह थी ठीक है और केक कटिंग हुई थी और केक कटिंग के बाद वो मुझे प्यार से केक खिला और दूसरी साइड पे लैला जी हैं और यहाँ पे मैं दरमियान में होता और एक ही बात ही करता नेड़े आ आ आ सोने आ बट फूकों से ये चराग बुझाए नहीं जाते मजनू बड़ी बाउंड्री बचाई है अब तुम अपनी गल करो तो मैं रसां ली ट्रेजर अंदर रख के आया ओए गरम जोहर तूफान कदी नहीं डके जाते ओए वाह 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 जिड्डा कु तू तूफान है ना मैं पखा बंद किया आप ही डकया जा सी लैला आपका करियर अगर देखा जाए तो इतना मजेदार लश्यस है जहां आपने कैरेक्टर भी किया है वहां आपने आइटम भी किया है जहां आपने रुलाया है वहां आपने हंसाया भी है असल में आपका मजनू कहाँ है ये मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा असल मजनू कहाँ है वैसे तो सारे मजनू है जो प्यार करते हैं जो फैन है लेकिन मेरे दिल का मजनू मेरा मजनू कहाँ है मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ है ओ, 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 यार होली होली कितना फ्री हो गया नहाने वाला डब्बा अपने तो बात तेरे गुनाह तुपन दी पावन छे निका नैना चो डुल दा फुमा लगाए दिल नो इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार लैला हो लैला लैला हो लैला लैला तेरा खाना तेरा ओए किस बंदे ने तेनु मौसीकार बनाया है और सड़ी बूथी आ रहा और पाटिया नस आ रहा और विंकिया मुछ आ रहा तेनु मैं आख्या मुखड़े च सताई सताई दे अंदर पाना लैला ना ना तू अंतरे च लेके जा रहा सुन फिर सदा हो अपने प्यार की लला हो लला हो अम्मा लला हो बाजी लला हो बेड़ा लला हो अरबी बेटा म्यूजिक बनाना फैमिली नहीं बनाना या शेख बिल्कुल पे ठीक बदतमीजा सारी फैमिली दा ना मौसीकी बनानी है तू समझया एत राशन कार्ड पे लब रहन तू फ्लूटर दी टोपी बुलवा के सिर ते रखी भेजा पर जी अब इस छोटे मजनू को कहीं टाई क्यों नहीं कर देते हां भाई इनू टाई कर दियो ना किथे क्यों कर दिए टाई असि टाई करके आए हैं कि तू इंज कर से मैं फड़ सा लैला स्पोर्ट्स गर्ल तो थी ये क्रिकेटर क्यों नहीं बनी क्रिकेट मैंने खेली है गली मोहल्लों में घर के सहन में बहन भाइयों के साथ कजनों के साथ लेकिन उसको प्रॉपर नहीं खेला मैंने लैला ने क्रिकेट खेली गली में चिलमन में चौबारों पे चिलमन से चौबारों पे खिड़की से दरवाजों पे क्रिकेट खेला ना करो ठीक है खातिर आजादी कैसे हो सकता है कि एक क्रिकेट सुपरस्टार आपके पास मौजूद है और एक लॉलीवुड स्टार आपके साथ मौजूद है और उतने साढ़े नाले सिफारिशी भी मौजूद है गेंद तो फिर क्यों ना सुपर ओवर का धमाल हो जाए शुरू लुडी है जमालो बॉल लुडी है जमालो लुडी है जमालो बॉल लुडी है जमालो लुडी है जमालो बॉल लुडी है जमालो ला 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 ला
लुटी है जमालो बाओ लुटी है जमालो लुटी है जमालो बाओ लुटी है जमालो।